तभी से मैंने ना कैसे प्रोटेक्शन कैसे करना है सबसे जरूरी क्या है, जब गाड़ी चलाते टाइम में, अरे यार गाड़ी चलाएगा ना सुबह ना नर्वस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नर्वस से ना आपको ज़्यादा ठोकता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि देखा जाए तो है ना इंडिया और विदेश में दोनों एक ही जैसा है, गाड़ी चलाने में बहुत डेंजर है क्योंकि यहाँ भी सब 100 के ऊपर से जा रहा है, 100 के ऊपर से, वन मिस्टेक कितना गाड़ी एक एक दूसरे को ठोकते रहेगा। यहाँ पे और भी चेतावनी से हमेशा अलर्ट, इसलिए यहाँ पे लाइसेंस भी आसानी से नहीं मिलता ना, इंडिया में तो पैसा दे के लाइसेंस मिल जाएगा, यहाँ पे सब G1, G2, G क्या बोलते हैं, सब वन स्टेप बाय स्टेप के लेना है, आसान नहीं है लेकिन अच्छा भी है अपना सुरक्षित के लिए ना, अपना सेफ्टी के लिए, अपना नहीं है जो जो भी है आपके साथ जो है ड्राइवर अच्छा होता है। जाको राते साइया मार सके ना कोई, ये सही बोला मैंने, कोई अच्छा सा गाना हो जाए अच्छा सा कौन सा बताओ, केसरिया 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 का वो गाना क्यों मुझको इतना बता ही कोई कैसे तुझसे दिल न लगाई कोई, रब ने मुझको बनाने के खाली तिजोरियां काजल की सियाई से लिखी है, तूने जाने कितनों की लव स्टोरी यार, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं हाथ लगाऊं बिन बिते सारे तेरे फिक्र में, रह जाए तेरे हाथ लगाऊं केसरिया तेरा, अलग फंस गया मेरा, अभी जाता हूँ, अभी मेरा गला थोड़ा बैठा है, थोड़ा सा फुर्सत मिले तो एक दिन मैं एक अच्छे से आप लोग को पेश करूँगा, आज के लिए माफी चाहता हूँ, शायद मैंने बेसुरा गाया होगा, क्योंकि मेरे गाने का मुझे गाने का शौक है, संगीत ऐसा होता है जिससे आपको बहुत रिलैक्स फील होता है ना, संगीत चाहे जैसे भी हो, रॉक स्टार हो चाहे जैज हो चाहे क्लासिक हो जो भी हो, बस संगीत एक अपना एक दुनिया है, और मेरे विचार से जो जो इंसान संगीत का लगाव है वो इंसान कंपैशनेट होगा, मेरे ख्याल से ज़्यादातर पीसफुल होगा ना वो आदमी, जितना भी हो संगीत, मैंने जितना भी संगीतकार देखा है जो एक से एक महान संगीतकार, उनका जो नेचर होता है ना अलग होता है, स्वभाव क्या होता है उनका स्वभाव, कुछ अच्छी बातें। तो मेरा संगीत का लगाव मेरा माता श्री से क्या बोले आप मुझे इन्फ्लुएंस बोलेंगे ना, जो उनसे मिला है, क्योंकि माता श्री मेरे माता श्री को गाने का बहुत शौक था,
हाँ शुद्ध हिंदी कैसे आया आपको? क्योंकि माता श्री आप तो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्होंने क्या बोला हमारे लिए बहुत सी यादें छोड़ती हैं। How do you speak of? और जब भी हम जैसे पुराने गाते हैं गाना होते हैं ना जो हम जब भी गुनगुनाते हैं जब भी गाते हैं ना जब भी वो उस समय हमें अपना दादाजी की याद आता है ना तो ऐसे लगता है वो हमारे यहाँ सामने जो करीब में होगा जैसे फील करते हैं जैसे फील होता है। Please sing a beautiful song and dedicate to your mother. Dedicate my mother. गाना तो क्या कौन सा गाना है? गाना वैसे इतना पुराना तो नहीं है। One of her favorite song. आँखें हैं बड़ी बड़ी. आँखें हैं बड़ी बड़ी. और तुम मुस्कुराने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो भला कैसे जमाने में मोहब्बत लोग करते हैं मुझे महफिल की ख्वाहिश थी मिली तन्हाइया मुझको जख्म है हरा हरा और तुम चोट खाने की बात करते हो जिंदगी खफा खफा fluently like in the language how are you gonna speak in very fluency kyunki jo mera schooling jo hai na main indian mein kya bolte hain mera jo school jo hai indian mein hua tha na indian ke school mein tibetan school mein nahi hua tha isliye main zyada tar indian mera dost friends jo hai na indian mere apna khud ka bhasha mere ko achhi tarah nahi aata hai शर्मिंदगी की बात है ना वैसे आपका खुद का लैंग्वेज तो जरूरी होता है ना अपना तो आई वुड लाइक यू टू रिक्वेस्ट कैन यू प्लीज सिंग अ टिबेटन एनी ट्रेडिशनल सॉन्ग और एनी काइंड ऑफ सॉन्ग सो या आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू ट्राई समथिंग फ्रॉम टिबेट तो ये जो गीत जो है ना वो दलाई लामा के लिए दलाई लामा हमारे पूज्य गुरु दलाई लामा जी के लिए ये गाना पेश किया था। गाना संगीतकार का नाम मुझे मालूम नहीं है कि उसका नाम अब जो भी हो मैं भूल गया। फिलहाल के लिए मैं वो गाना आप लोग को पेश करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आए। समर्पुछे ने समलियो लाकुर्सों जानी ते मोजरने समलिंशिद ट्वेसों नम समर्पुछे ने
अभी मैं इसका मीनिंग आप लोग को बना दूँ, आप लोग को बता देता हूँ इसका मीनिंग है। उन्होंने जो बेश पहना है ना, उसको लाल कपड़ा जो बुद्धिस्ट का मॉन्क का जो उनका जो ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस पहन के उन्होंने संसार में क्या सबका दिल जीत लिया अहिंसा के। उन्होंने जो भी मैसेज दिया है कंपैशनेट के लिए ना, सो एक तरफ से उन्होंने ना इस दुनिया में ना संसार का दिल जीत लिया कि उनके पास वो ज्ञान था, वो उनके ज्ञान का वो महासागर बोलता है उनके उनको उनको क्या ओशन ओशन ऑफ क्या बोलता है इसको क्या बोलते हैं नॉलेज हाँ मैं ओशन महासागर जैसे उनके पास ज्ञान का भंडार है। और जो भी उनसे दर्शन पा लेता है वो अलग से ना वो क्या बोलता है एक शांति से ना मन में एक अलग होता है क्या महसूस कर लेता है जब उनके दर्शन पा लेता है ना, अलग से होता है जैसे उनका अरे क्या मतलब और बाइक उठा लो